स्टॉप प्लस के शो तेरी मेरी डोरियां को लोग काफी पसंद करते हैं। ये शो टीआरपी में भी अच्छा खासा कमाल करता है, लेकिन अब शो के फैंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शो को एक बड़ा किरदार अचानक ही छोड़ने वाला है। दरअसल शो से यशराज के किरदार की एग्जिट होने वाली है, जिनके किरदार को निभा रहे हैं एक्टर ऋषिकेश पांडे। जी हां, ऋषिकेश पांडे ने शो से ले ली है एग्जिट। अपनी एग्जिट की जानकारी खुद ऋषिकेश ने ही दी है और बताया है कि आखिर वो अचानक से शो से बाहर क्यों हो गए। ऋषिकेश ने ई टाइम से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने खुलासा करते हुए बताया है कि शो में उनके किरदार के ट्रैक में कुछ खास करने को नहीं था और इसी वजह से अब उनका ट्रैक खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी एग्जिट पर बताया, मुझे यश की भूमिका निभाने में मजा आया। टीम के साथ ये एक प्यारा एक्सपीरियंस था। मैं पहले से कई स्टार्स को जानता था और नए लोगों से भी मिला, जो बहुत सम्मान करते थे। प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना अच्छा था। वहीं शो में अपने कमबैक के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, टेलीविजन पर आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा, और फिलहाल मैंने शो के लिए अपनी शूटिंग पूरी कर ली है, और अगर फ्यूचर में मेकर्स मुझे वापस लाने की प्लानिंग बनाते हैं तो जनता को मुझे देखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश फिलहाल लाइव शोज करने में बिजी हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि मैं फिलहाल शूटिंग नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं लाइव शो करने के लिए वापस आ गया हूं। मैं एक एंकर भी हूं, इसलिए जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा होता तो ये एक्टिविटीज मुझे बिजी रखती हैं। लेकिन हाँ, मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हूं, और एक बार मुझसे इसके लिए संपर्क किया जाएगा तो मैं जनता के लिए स्क्रीन पर दोबारा आऊंगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश काफी पॉपुलर स्टार हैं, जो सीआईडी, बेकाबू, ये रिश्ता जैसे कई बेहतरीन शोज में नजर आ चुके हैं। हालांकि अब देखना तो ये है कि यशराज की एग्जिट के बाद तेरी मेरी डोरियां शो में क्या कुछ नजर आता है, कैसे ट्रैक बदलता नजर आएगा।